हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल मसाला क्वीन में। आज हम बनाएंगे पालक का रायता। तो उसके लिए हमें चाहिए हैंड फुल पालक, जिसे हम स्पिनिच बोलते हैं, आधा गिलास दूध, कम से कम आधा किलो दही, जीरा, राई, नमक, लाल मिर्ची और दही वड़ा रायता मसाला। अब हम पालक को बहुत छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो अब हम पैन में छोटा एक चम्मच इसमें हम घी डाल तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद ऐसे तेल को आपने फैला लेना है। और इसके साथ ही मैंने ये तवा रखा है, उसके ऊपर हम ये जो हमारे पास जीरा था इसको हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है जी, तेल गर्म हो गया। तेल गर्म होने के बाद इसमें जो राई है ये हाफ डालेंगे। और जब ये राई फूटने लगेगी, अच्छे से फूट जाएगी, तब ये स्पिनिच जो है आपको ऐड कर देंगे। तो पालक को सॉटे करके हमने इसमें डाल दिया। जो जीरा मैंने तवे के ऊपर भुना था उसको कुछ इस तरीके का फाइन पाउडर आपने बना लेना है। तो दही को हमने डोंगे में ट्रांसफर किया, तो इसको आप ऐसे खिलाएंगे ताकि इसके जो लम्स हैं वो नहीं रहे दूध में। अब इसके बाद आपने ये जो दूध था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको मोटा रायता पसंद है तो आप दूध नहीं इस्तेमाल करें, मुझे पतला रायता पसंद है, मेरी फैमिली को पतला रायता पसंद है, तो मैं दूध डालती हूँ। इसके बाद ये जो स्पिनिच थी ये हम इसमें डाल देंगे। याद रखना है कि स्पिनिच आपको तब डालनी है जब वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपको दही वड़ा रायता मसाला इसमें डालना है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची जायके के लिए। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। इट्स टाइम टू गार्निश। तो हम इसे जो भुना हुआ जीरा था उससे हम गार्निश करेंगे। ये ना सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छा है बल्कि खाने में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप कुछ कलर बना देंगे, जिसमें रेड चिली था करके ये दो तीन कलर देखें, तो आपका रायता बनके तैयार। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें। जैसे मैंने पहले भी ये मेंशन किया था कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, नया चैनल है तो मुझे आप, अब आप ही मेरी YouTube मेरी फैमिली है, तो आपकी हेल्प की मुझे जरूरत है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।